हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, जिसे आप अपने बैक में और फ्रंट पे कहीं पर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना राउंड नेक बनाना है। जितने भी आप राउंड नेक पहनते हैं, आगे और पीछे के जहाँ पर भी आपको बनाना है, उसी हिसाब से आप पहले अपना राउंड नेक बना लें। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आप इसमें बुकरम यूज करेंगे, जो बुकरम की जो हमारी ये पट्टी की चौड़ाई है, वो करीब करीब 1.25 इंच के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं सेम कलर की। वैसे आप इसको अलग कलर से भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी हुई है वो 3 इंच रखी हुई है, और लंबाई हमें इसकी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमें इसमें प्लेटें डालनी है और इतनी लंबाई हमें रखनी है जो हमारे पूरे नेक पर आ जाए। आप इसमें बीच में जोड़ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें बीच में जोड़ लगाया हुआ है। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं बीच में से, और बीच में से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं, यानी इसको हम सिल देंगे। देखिए, इस पट्टी को मैंने सिल लिया है, और सिलने के बाद एक साइड से इसको बंद कर लिया है। अब हम इस पट्टी को सीधा करते हैं। आप इसको सुई धागे से भी सीधा कर सकते हैं, और आप इसको किसी स्टिक वगैरह से भी सीधी कर सकते हैं। बंद साइड से हम अपनी पट्टी को इस तरह से करेंगे, और इसको हम इस तरह से दूसरे सिरे पर निकाल देंगे। इस तरह से हमारी पट्टी सीधी हो जाती है, और जो हमारा सिला हुआ हिस्सा है इसको हम काट लेंगे और अपनी पट्टी को सीधी कर लेंगे। देखिए, पट्टी सीधी करने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं, और जब हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो जो हमारी ये सिलाई है इसको हम बीच में लाएंगे, यानी इसको बीच में करके तब हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं। और इस तरह से प्रेस करने के बाद हम एक बार और इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे, और फिर इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि इसके बीच में एक क्रीज बन जाए। देखिए, हमें इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर प्रेस कर लेनी है बीच में से फोल्ड करके, तो हमारे बीच में एक क्रीज बन जाती है। अब हम इस क्रीज के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे। देखिए, बीच में ये निशान लगाने के बाद ऊपर से हम करीब 1.25 इंच के आसपास कपड़ा छोड़ देंगे, फिर हम इसमें इस तरह से प्लेट डालते हैं। ऐसे सिलाई हम बीच में लगाएंगे इसके, फिर बिल्कुल इससे मिला के हम एक प्लेट इस तरह से डालते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ को हम इनका रुख करते हैं, और इसके बाद करीब 1/2 इंच जगह हम छोड़ देंगे। आप आइडिया से भी ये जगह छोड़ सकते हैं, और आप इस तरह से निशान लगा कर भी। फिर यहाँ पर भी हम सेम तरीके से प्लेट डालते हैं इस तरह से, फिर इस प्लेट की तरफ को इस तरह से रुक करके फिर प्लेट डालते हैं। सिलाई हमें बीच में ही लगानी है इस निशान के ऊपर। देखिए, जैसे मैंने 2 प्लेटें डाल ली हैं, इसके बाद या तो आप आइडिया से ये प्लेट डाल सकते हैं, या फिर 1/2 इंच के आसपास आप इस तरह से निशान लगा लें। फिर आप दोनों प्लेटें इस तरह से सेट कर लें ऐसे, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये प्लेटें कोशिश करें बराबर होनी चाहिए। फिर 1/2 इंच के आसपास हम जगह छोड़ देंगे, फिर प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से, और फिर इन पर सिलाई लगा लेंगे। फिर हम ऐसे ही जगह छोड़ देंगे, और ये प्लेट हम सेट कर लेंगे। फिर बीच में हम ये सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें अपनी पट्टी में ये प्लेटें डालनी है। प्लेट डालने के बाद आप इसको अपने नेक पर रख कर देख लें, अगर ये पूरी आपके नेक पर कंप्लीट आ रही है तो आप ये प्लेटें डालना बंद कर दें। जैसे ये हमारा नेक है, इस तरह से आप इसको रख के देख लें। ये जो हमारी पट्टी की ये वाली साइड है बिल्कुल नेक से एकदम लगती हुई होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल नेक के बराबर ये प्लेटें डाल ली हैं, देखिए इस तरह से। अब हम इस पट्टी को अपने नेक पर सिलते हैं। आप चाहें तो इस तरह से रख के यहाँ पर भी एक सिलाई लगा सकते हैं,
और देखिए ये जो हमारी पट्टी की ये वाली साइड है ये बिल्कुल नेक से इस तरह से मिलती हुई होनी चाहिए और सिलाई हमें इसी सिलाई के ऊपर लगाते जाना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पट्टी सिल जाएगी इस तरह से। बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से इस पट्टी को हमें अपने नेक के ऊपर सिलना है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर ले और आप चाहें तो इसकी कटिंग बाद में भी कर सकते हैं। अब हम सुई में सेम कलर का डबल धागा डालते हैं और इस तरह से जो हमारी प्लेट है उसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं ना करके इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करेंगे। और इसमें हम इस तरह से टाका लगा देंगे। अब सेम तरीके से हम इस वाली प्लेट को भी ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरह से। इसमें भी हम इसी तरह से टाका लगा देंगे। अब हमारी ये जो प्लेट है इसको भी हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और इस वाली प्लेट को भी, सारी प्लेटों को हम इसी तरह से फोल्ड करके इनमें टाके लगाते जाएंगे। देखिए हमारे डिज़ाइन इस तरह से तैयार होता है। ये हमारे बीच बीच में ये फूल जैसे डिज़ाइन बन जाते हैं और इनके बीच बीच में आप एक एक मोती लगा सकते हैं। कलर और साइज आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम सुई में सेम कलर का डबल धागा लेंगे और इसके बीच में इस तरह से हम सुई निकालते हैं, ऐसे इसमें मोती डालते हैं और इसको वापस वहीं पर इस तरह से सिल देंगे। आप चाहें तो इसको दो बार भी पक्का कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सुई निकालते हैं और इसी तरह से हम पूरे नेक पर मोती लगाते चले जाएंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।